अभी बोल करके नहीं दिखाना, वहाँ साथ साथ चलते हैं, वो दिखाती हूँ। चलते हैं अंदर, ये है गेट, गेट की तरफ, अंदर की तरफ चलते हैं। ये मेन गेट है, यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ से अंदर चलते हैं हम, जो कि आपको मिल जाएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को दिखाने के लिए। तो आप मेरे साथ साथ चलते जाइए। जा रही हूँ आपको मेले की सैर करवाने के लिए। तो ये देखिए, कपड़ों वाली जो साइड है उस तरफ आए हैं, और बर्तन बर्तन भी हैं यहाँ आसपास में। कपड़े कपड़े तो हमने शायद खरीदने नहीं है, 100-100 रुपए में मिल रहे हैं यहाँ पर बड़े आराम से। ये देखिए, दो मिल रहे हैं, वो भी 100 रुपए की। दो लेने लेने तो 100 रुपए की दो टी शर्ट्स यहाँ पर मिल रही थी। हमने कर दिया रिफ्यूज़, हमने कहा चलो आगे चलते हैं। ये देखिए, कपड़े वालों की दुकानें यहाँ पर सज चुकी है। एक ही दिन हुआ, अभी तो मेला शुरू हुआ है। यहाँ पर गंदगी बड़ी हो गई है, और सबसे ज़्यादा जो छाए हुए हैं ना यहाँ पर, वो आइसक्रीम वाले। आइसक्रीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ले रहे हैं आइसक्रीम आइसक्रीम वगैरह। और कपड़े बड़े सस्ते मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। टी शर्ट आज का टी शर्ट 200 रुपए की मिल रही है, लेनी तो ले लो। है 50 रुपए की एक टी शर्ट, इधर 150 रुपए के मिल रहे हैं। तो आपको तो दोस्तों इसी तरह की आवाज़ें मिलेंगी। इधर 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 इधर, फिर बड़ी भीड़ हो जाएगी। गाड़ी भी अंदर पहुँच गई है यहाँ पे, अब निकाल लेंगे तब जब ये मेला ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। और वही मैं बोल रही हूँ कि अभी एक ही दिन हुआ, तो गंदगी देखो कितनी बुरी तरह फैल चुकी है यहाँ पे। गली 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 पूरा, पता ही कितना बड़ा ग्राउंड है। किधर निकले, किधर निकले हैं? कितने किलोमीटर का एरिया होगा ये पटल ग्राउंड का, कोई आइडिया? उस पूरे उसमें दुकानें ही दुकानें, छोटी 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 स्टॉल है ना।
और एक एक स्टॉल पता नहीं किया कितनी कितनी कॉस्ट दी है इन्होंने एक एक स्टॉल की यहाँ पर। एक चीज़ पता क्या, यहाँ पे जो लकड़ी का सामान होता है ना वो बड़ा प्यारा सा लगता है मेरे को, ये लकड़ी का सामान जो बना होता है ना इस तरह से फ्लावर वॉस वगैरह यहाँ पर, एक एक प्यारा सा लगता है ना, लकड़ी का जो सामान है वो सबसे बढ़िया लगता है। और यहाँ पर ये लाइन जो है वो होगी मिठाई वालों की सारी की सारी। कितने रुपए किलो है जलेबी? 160 रुपए। 160 रुपए कम नहीं होंगे? नहीं कम नहीं होगा, इतना तो कर ही देना चाहिए, थोड़ा बहुत तो कम कर देना चाहिए। महंगाई महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई ना, कितनी महंगाई होगी, 5-10 तो कम कर देना चाहिए है ना। ओ दोस्तों ये बार्गेनिंग नहीं चली, तो आगे चलते हैं आगे की तरफ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लेते हैं यहाँ पर, जलेबी को लेकर के लेनी तो थी नहीं महंगाई ज़्यादा है इसलिए आगे चलते हैं, क्योंकि जलेबी के शौकीन साथ में चले हुए हैं, क्यों खानी थी हैं? ये वो कर रहे हो तिरंगा झंडा लहलाता हुआ। और एक चीज़ यहाँ पर जो इस बार करी हुई है वो है ये कि जो डे टाइम पे स्कूल के बच्चों के प्रोग्राम होते थे ना वो यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं उधर ग्राउंड में। यहाँ क्या चल रहा है वो आगे जाके ही पता चलेगा क्या चल रहा है। अभी शुरू हुआ है टीम का, मुझे पता नहीं कौन कौन सी टीम है, कल ये देखेंगे किस तरह से जोर लगाते हैं इस तरफ वाले, और स्माइल स्माइल कर रहे हैं सारे के सारे। तो ये प्यारे प्यारे चेहरे स्माइल करते हुए अब देखते हैं विमेन पावर उधर वाली ज़्यादा है कि इधर वाले विमेन पावर ज़्यादा है ना। बाहर से भी बड़ी गुस्सी, जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ। ये है विभागीय प्रदर्शनी जिला प्रशासन मंडी की द्वारा लगाई हुई है। तो यहाँ प्रदर्शनी में क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो मैं आपको दिखाती हूँ, और बिगनिंग यहाँ से करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पुलिस वाले बैठे हुए हैं ऑन ड्यूटी और सुस्ता रहे हैं अभी, और आगे चलते हैं यहाँ प्रदर्शनी में। प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है वो ज़्यादातर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको लेकर के, जो हीरोज़ हैं जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में वो सारे जो संघर्ष किया उनके लिए। और यहाँ सबसे पहले ब्रह्म कुमारी वालों का है, और उसके बाद ये देखिए शॉल का भी यहाँ पर लगाया गया है शॉल, और ये मेरे ख्याल से सेल्फ हेल्प ग्रुप है और सोलन से आया हुआ है। देखिए सोलन चंबा मतलब कि ऑल हिमाचल यहाँ पर कवर किया गया है सारा का सारा, और अचार और जो खुद ही यहाँ पर बड़ी और काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तकरीबन जितना भी है ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं। और ये क्राफ्ट है, ये बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए क्राफ्ट का यहाँ पर छोटी छोटी बास्केट, और ये बनाया हुआ है इन्होंने बैम्बू का ये ना सारा का सारा। इसी तरह से ये अपने हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पर चलाते हैं, और जो लेडीज़ घर में होती हैं उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, और एक उनका एक सोर्स बन जाता है इनकम का यहाँ पर। ये उसी तरह के यहाँ पर जो बने हुए हैं ये स्टॉल, ये सारी की सारी ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है जिन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। ये तकरीबन सारे के सारे इसी के लगे हुए हैं ना, इन्होंने किया हुआ है स्पॉन्सर और उन्हें नहीं किया, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझे नहीं पता कि लोग परचेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग इंटरेस्टेड हैं और देख रहे हैं, और कुछ लोग शायद ख़रीद भी रहे हैं। हम लोग भी नहीं खरीदने, हम लोग भी फ़िलहाल एक राउंड सा लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। और ये इन्होंने देसी घी जो है अपने यहाँ जो काउ वगैरह ये लोकल है ना देसी घी वहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने जज किया वो ठीक था कि लोकल जो देसी घी है इन्होंने खुद ही घर में बनाया हुआ बिल्कुल साफ़ सुथरा बढ़िया सा उसको सेल आउट कर रहे हैं यहाँ पर। अचार जूस ये देखिए, ये राजमा सीरा और जो खुद से बनाई हुई चीज़ें यहाँ पर है। ये प्लास्टिक के ब्रश हम यूज़ करते हैं घरों में पेस्टिंग करने के लिए, ऑयलिंग करने के लिए परांठे वगैरह में, तो वही चीज़ इन्होंने बैम्बू से यहाँ पर बनाया हुआ है और उसको भी सेल कर रहे हैं। और हिमाचल का पर्यटन
है उसको यहाँ पर फोटोज़ में दिखाया गया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह हमारे आसपास होती है, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं दे पाते इन चीज़ों को लेकर के जो यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शनी में लगाया हुआ है फोटोग्राफी करके। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी की ही ज़्यादातर ये जो एग्जीबिशन थी फोटोज की, वो सारी डिस्ट्रिक्ट मंडी की एग्जीबिशन थी यहाँ पर। एडवेंचर बाइक बार खाने पीने की चीज़ें काफ़ी सारी है यहाँ पर, सिड्डू बर्गर मोमोज। और मेरे को लग रहा है कि हम लोग तो शायद कुछ नहीं खा पाएंगे क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है, तो मुझे निकलना पड़ेगा जल्दी जल्दी यहाँ से। और कुछ खाना वाना तो नहीं है ना, ये खाने वाने की चीज़ें हैं काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर हैं खाने के लिए। और दोस्तों हमने पार्क किया स्कूटी यहाँ से बहुत दूर क्योंकि यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। चीखने की जो आवाज़ें आ रही है वो झूले वूले यहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ पर बहुत जो कॉलेज के जो बच्चे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर देखी, पहले भी हमने आपको दिखाई वो सारी चीज़ें जो डायनासोर पार्क वगैरह, वो यहाँ पर एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग जो चीज़ है यहाँ पर आई हुई है। तो फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए महादेव फैमिली, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।